पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत जिस तरीके से आवाम को जलीलो ख्वार किया जा रहा है, हालांकि पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन डिप्टी कमिश्नर लाहौर ऑफिस के मुलाजमीन की मिली भगत से लोगों को नोटिस भिजवा कर लोगों को हरासा किया जा रहा है। इस हवाले से हमने ऑनरेबल सेशन जज के पास आज पिटीशन फाइल की थी और आज उसमें हम पेश हुए थे। इससे पहले हम पेश हुए थे एडिशनल सेशन जज जनाब मलक मुश्ताक साहब के पास, उन्होंने डीसी का ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया था। आज हम फाइनल बहस के लिए पेश हुए थे, वहाँ भी यही बात सामने आई कि डिप्टी कमिश्नर के पास अब कोई इख्तियार नहीं रह गया पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत इम्प्लीमेंटेशन करवाने का, क्योंकि वो लैप्स कर चुका है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से ये होता रहा। इस हवाले से हमने हाई कोर्ट भी रजू किया हुआ है, वहाँ भी उन्होंने अभी तक कोई जवाब जमा नहीं कराया और यहाँ भी तकरीबन जो हैं 20 दिन गुजर गए हैं, कोई जवाब इन्होंने एडिशनल सेशन जज साहब के पास नहीं जमा करवाया। तो हम आज पेश हुए हैं, हमने यहाँ इसमें बहस की है। ये देखें, मासूम बच्चों को बेदखल करने के लिए इनके दादा को आड़ बनाकर इनकी पुफियों ने जो है ना ये प्ली ली कि जी हमारे बाप को इसने, हमारे भाई ने घर से बाहर निकाल दिया हुआ है, इसलिए ये घर से खाली कराया जाए। ये बड़ा अजीबोगरीब सा ऑर्डिनेंस पास हुआ था जिसके पॉजिटिव रिज़ल्ट निकलने के बजाय नेगेटिव रिज़ल्ट निकलने शुरू हो गए थे। तो इस हवाले से हमने मुख्तलिफ फोरम पर आवाज़ भी उठाई, हाई कोर्ट में रिट पटिशन्स भी की और ऑनरेबल जस्टिस अनवार अल हक पन्नू साहब की कोर्ट में एक मेरी पटिशन जो थी वो 19 मार्च को थी, उसमें भी वहाँ पर यही करार दिया गया कि ये ऑर्डिनेंस लैप्स कर चुका है। अब एक और मेरी पटिशन जो है वो 22 तारीख को ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अनवार अल हक पन्नू साहब की कोर्ट में है, जिसमें भी यही स्टांस लिया गया कि ये मैटर डिप्टी कमिश्नर की एम्बेट में नहीं आता, ये क्यों उस अख्तियार को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि लैप्स कर चुका हुआ है। तो इनको बड़ी परेशानी दी गई, ये मेरे साथ साहिल खड़ा है, उसके बीवी बच्चे खड़े हैं, इनको घर से निकालने के लिए जनाब डिप्टी कमिश्नर से ऑर्डर हुआ, वो हमने भाग दौड़ की और हम पेश हुए ऑनरेबल एडिशनल सेशन जज के पास, उन्होंने ऑपरेशन को सस्पेंड किया और यूँ ये बच्चे जो हैं बड़ी टेंशन में इन्होंने एक हफ्ता गुजारा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी के पास इस तरह का कोई भी जो है ना वो हथकंडा नहीं होना चाहिए। एक ऑर्डिनेंस चंद माह के लिए आया, लैप्स कर गया, लेकिन ये अभी तक इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सब का आमीन आसर हो।